गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट ऑफ द डे, अ चैम्पियन इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। एक चैम्पियन एक सपने देखने वाला है जो कभी भी हार नहीं मानता। अर्थात हमें भविष्य में अगर कुछ करना है तो हमें सपना देखना पड़ेगा, है ना। अगर हम अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं कि हमें आगे बढ़कर पढ़ लिख कर क्या करना है, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, तो हम अपना आज नहीं सुधार सकते हैं। तो हमें अपने कल को सुधारने के लिए पहले हमें आज उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी सेकंड के चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 4, पापा जब बच्चे थे। तो ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके साथ में एक पोएम भी थी उलझन, वो भी कंप्लीट करा दी गई है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ, दोस्त की पोशाक। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इन दोनों में जो दो दोस्त होंगे इनमें बहुत गहरी मित्रता होगी। तभी एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को अपना कपड़ा, पोशाक यानी अपना कपड़ा दे रहा है पहनने के लिए। अब कैसी परिस्थिति में दे रहा है उसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बहुत खुश हुए। वे बड़े गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, है ना। जब हम लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं तो हम लोग बाहर जाने से आनाकानी करते हैं। वही जमाल साहब के साथ भी हुआ। नसीरुद्दीन ने कहा कि चलिए हम लोग बाहर घूम कर आते हैं। तो जमाल साहब ने कहा कि नहीं, मेरे कपड़े बहुत मामूली से हैं, मैं इन कपड़ों में बाहर घूमने नहीं जा पाऊँगा। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़केली अजगर निकाल कर लाए और कहा, ये इसे पहन लो, इससे तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो इसलिए बाहर जाने से मना कर रहे हो, कोई बात नहीं है। नसीरुद्दीन गया और अपने उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, उसमें से एक सुंदर सा अजगर, यानी अजगर इसे कहते हैं, पिक्चर में ये देखिए ये कुर्ता है, खूब सुंदर सा कुर्ता है, इसे अजगर भी कहा जाता है, है ना। तो इतना सुंदर कुर्ता उसने ला करके किसे दिया, जमाल साहब को, कि लो इसे पहन लो और हम दोनों मिलकर घूमने चलते हैं। तो जमाल साहब को भी उसकी बात अच्छी लगी। हालांकि हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हम लोग अपने दोस्तों के कपड़े भी आपस में शेयर करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। हम ये नहीं कहते कि सब सारे बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे कुछ मजबूरी बस करते हैं और कुछ कभी कभी किसी की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है तो हम लोग आपस में भी मांग करके पहनते हैं। ये कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है कि किसी का कपड़ा पहनना बुरी बात होती है, लेकिन नसीरुद्दीन ने पहनने तो दिया, लेकिन उसने कुछ ऐसी बात कही जो जमाल साहब को अच्छी नहीं लगी। आइए आगे देखें क्या कह दिया उसने। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। अब नसीरुद्दीन बाहर टहलने निकले और अपने जान पहचान वालों से अपने दोस्त का परिचय कराने लगे। वैसे तो ये हैं, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अजगर इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब नसीरुद्दीन ने यहीं पर गलती कर दी। उन्होंने अपने दोस्त का परिचय तो कराया
कहा कि ये दोस्त मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत दिनों के बाद मैं इनसे मिला हूँ और ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ये आजकल इन्होंने जो पहन रखी है यह मेरी है, यानी कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमें बार बार उसे जताना नहीं चाहिए। ठीक है, कहते ना किसी की मदद करो, किसी को हेल्प करो और उसे याद ना रखो और ना किसी को याद दिलाओ बार बार कि मैंने तुम्हारी मदद की है, मदद की है, तो वो मदद का फल नहीं मिलता है। और नसीरुद्दीन ने यहीं पर गलती कर दी और अपने पड़ोसियों से परिचय देते हुए ये भी कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है आजकल मेरी है। अब देखिए आगे क्या है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी गिर गया, नहीं घड़ों पानी गिर गया नहीं बहुत सारा पानी गिर गया, ये नहीं, मतलब कहते ना कि कोई अजीब सी बात सुन करके हम लोगों का माथा ठनक जाता है कि ये बात तो इसे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसने इस जगह में क्यों कह दी, कहने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, उसने तो ये पूछा नहीं था, है ना, उनके पड़ोसी ने तो पूछा नहीं था कि ये अचकन किसकी है, तो उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी वाहवाही के लिए ये कहा कि ये अचकन जो पहन रखी यह मेरी है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था क्या अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं हैं। यही बात नसीरुद्दीन को, जमाल साहब को बहुत बुरी लगी और उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि यह बताना कोई ज़रूरी तो नहीं था कि यह अचकन तुम्हारी है, उन्होंने पूछा भी नहीं था, फिर भी तुमने ये बता दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? देखिए इन लोगों में बहस चल रही है। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया और जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, दूसरे लोग से मिलाने ले गए। दूसरे लोगों का क्या नाम था, हुसैन साहब। जब हमारे यहाँ कोई बहुत हमसे मिलने वाले बहुत पुराने दोस्त या जिसे हम बहुत पसंद करते हैं वो हमारे घर अचानक से आ जाते हैं, तो हम लोग उनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं, है ना, जिसे हम मन से चाहते हैं कि वो हमारे घर आए। तो उसी तरह हुसैन साहब भी चाह रहे थे कि नसीरुद्दीन आए, और नसीरुद्दीन जब उनके घर गए तो उन्होंने बहुत अवभगत से उनका स्वागत किया, जिसे कहते हैं गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। अब वहाँ पर भी नसीरुद्दीन ने क्या किया कि अपने दोस्त का परिचय देते हुए कि ये हुसैन साहब हैं और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है इनकी है। तो जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अब यह बात सुनकर भी जमाल साहब क्या हुए, नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इस समय नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से झूठ बोला कि यह अचकन जो पहन रखी है इनकी है। हुसैन साहब ने तो नहीं पूछा था, है ना, लेकिन फिर भी नसीरुद्दीन ने अपने को बड़ा दिखाने के लिए, और पता नहीं दिमाग में उनके क्या था, क्या चल रहा था, कि उन्होंने फिर यही बात, अचकन वाली बात फिर छेड़ दी। और यह बात सुनकर फिर हुसैन साहब को, फिर जमाल साहब को गुस्सा आ गया कि तुम्हें झूठ बोलने किसने कहा था कि अचकन मेरी है। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो किया, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता था क्या? इसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने कहा। जमाल साहब ने कहा कि अगर तुम और बात करते, दोस्ती की बात करते, इधर उधर की बात करते, लेकिन अगर तुम पोशाक की बात ना करते तो क्या तुम्हारा न चलता? तुमने पोशाक की बात छेड़ी ही क्यों? इसकी है, उसकी है, या मेरी है, या मैंने दी है, ऐसी कोई बात बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? तुमने फिर वहाँ तुमने वहाँ ऐसा किया और यहाँ पर तुमने झूठ बोल दिया, लेकिन पोशाक की बात छेड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए।
नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, यह है जमाल साहब। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। फिर हुसैन साहब जमाल साहब को लेकर के अपने एक और दो पड़ोसी के घर गए और वहाँ भी उनका आदर सत्कार हुआ। वहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जमाल साहब का परिचय देते हुए कहा कि ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है इसके बारे में मैं ना ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। नसीरुद्दीन को भी गुस्सा आ गया कि पहले मैंने कहा था कि यह मेरी है तो इन्हें बुरा लगा था, अब मैं कहूँगा, फिर मैंने कहा कि यह इनकी है तो भी इनको बुरा लगा, तो इससे अच्छा मैं इनके अचकन के बारे में कुछ ना ही कहूँ। लेकिन ना कहते हुए भी उन्होंने अचकन की बात उठाई है ना। तो अगर वो कहीं पर भी शुरुआत से ही वो किसी के घर भी जा कर के अचकन की बात ना करते, अपनी दोस्ती यारी की बात करते, अपने इधर उधर की और भी तरह की बहुत बातें होती हैं, जब हम लोग दो दोस्त मिलते हैं तो बहुत तरह की बातें होती हैं। तो लेकिन जिस इंसान की जैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी उसकी आदत होती है कि अपनी चीज़ को बार बार जताना कि यह देखो मैंने तुम्हें दिया। कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चे भी होते हैं, और कुछ बड़े लोगों की भी आदत होती है, इंसान की आदत होती है कि कभी कभी कोई कोई मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, चाहे चीज़ से, चाहे खाने की चीज़ों से, चाहे पहनने ओढ़ने की चीज़ों से, चाहे रुपये पैसे से, तो बहुत लोग उसको देते हैं और दान स्वरूप और मदद स्वरूप उसे भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, हाँ हमारे पास था, हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने उसमें से एक निकाल के दे दिया, उसका भला हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग की आदत ऐसी होती है कि उसे देने के बाद बार बार जताते हैं, और यही जताना किसी किसी को, जो इंसान मदद पाया हुआ रहता है, कभी कभी उसे बहुत ठेस लगती है। ठीक है, तो हमें हमें संभव है, हमें ताकत है, हमें क्षमता है तो हम किसी की मदद करें, अन्यथा मदद करने के बाद बार बार उसे जताना यह अच्छी बात नहीं है। अगर संभव नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, तो आप मदद मत कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं, मदद कर रहे हैं, तो फिर उसे भूल जाइए। उसे किसी के सामने बार बार जताने से मदद पाने वाले को थोड़ा सा ईगो हट हो जाता है, यानी कि उसे आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है। इसलिए कभी भी हम लोगों को, आप लोग भी कभी भी अपने लाइफ में इस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना गांठ बांध लेना है ना, इस बात को मम्मी लोग कहती हो ना, गांठ बांध दीजिए इसको, इसको कभी मत भूलिएगा। उसी तरह मैं भी कह रही हूँ आप लोग को कि आप लोग भी मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, यानी कि इसे कभी भी ना भूलें, ऐसा प्रेरणा आप लोग अपने अंदर करें कि अगर मदद कर रहे हैं, क्षमता है, सक्षम है, तो मदद करिए, और मदद करके उसे बार बार मत जताइए। मदद पाने वाला इंसान, जाहिर सी बात है, आपसे थोड़ा चाहे स्थिति में गड़बड़ है, कमज़ोर है, या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, किसी भी स्थिति से वो कमज़ोर है, तभी आपसे मदद पा रहा है। और मदद देने के बाद आप बार बार उसे जताओगे तो उसे बहुत गलत फीलिंग होती है, ठीक है, उसके भी आत्मसम्मान में ठेस पहुँचता है। ठीक, आप लोग इस चीज़ का भी प्रण कर लें। ओके, इस तरह से यह चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अच्छा बच्चों, आप लोग जब चैप्टर का नाम डालेंगे उसके बाद आप लोग ये पिक्चर उसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं टिक लगा दे रही हूँ, पेज नंबर 37 में ये पिक्चर है, पार्ट का नाम डालेंगे, दोस्त की पोशाक, और इस पोशाक का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद एक एक्सरसाइज है, इसको मैं इसमें करके दी हूँ, आप लोग इसको करिएगा, बाकी एक्सरसाइज मैं आप लोग को करके कॉपी में दूंगी। आप लोग इतना बड़ा मत लिखिएगा, सिर्फ नंबर एक डाल करके ये लिखिएगा। ये देखिए मैंने इसमें लिखा है, मुहावरों के आधार पर चित्र बनाइए, ठीक है। अब ये चार मुहावरे दिए गए हैं, एक है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो ये आप लोग दर्शा नहीं पाएंगे, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। ऊँट के मुंह में जीरा,
अब ना ऊंट बना पाएंगे ना उसका मुंह खोलकर उसमें जीरा डालना पाएंगे, है ना। तो इसको भी आप कट कर दीजिए, यह भी आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप ये दोनों बना पाएंगे। दिया तले अंधेरा, ऐसे एक दिया बनाइएगा, दिए की लौ प्रज्वलित ऐसे दिखाइएगा, और उसके तले यानी कि दिया के नीचे ऐसे ऐसे राउंड करके इसमें ब्लैक कर दीजिएगा, दिया तले अंधेरा, ठीक है। जब दिया चलता है तो उसके छाया यानी शैडो से यहाँ किनारे पर अंधेरा रहता है, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे पे, ठीक है ना, ऐसे दिखाइएगा। उसके बाद ईद का चांद, ये चांद बनाइएगा, ऐसे स्टार बनाइएगा तारे, और ये ईद का चांद ऐसे पतला सा चांद होता है ना ईद के दिन दिखने, इनके पहले दिन दिखता है जब, तो ये ईद का चांद, ठीक है। ये पिक्चर है दिया तले अंधेरा और ईद का चांद, और लिखिएगा आप लोग ये मुहावरों के आधार पर चित्र बनाइए, ठीक है। ये लिख करके ये दोनों मुहावरे बनाएंगे और ये दोनों मुहावरे भी लिखेंगे साथ में, ठीक है। ये वर्क आप कॉपी में करके रखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर जाएगा उसको राइट कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज जाएगा उसे राइट कीजिएगा, ओके। और इसके बाद ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने योग्य है, ठीक, इसको आप सिर्फ रीड करके रखिएगा, ये चैप्टर, इससे क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ ये दो पेज है, इसको आप रीड करके रखिएगा, ओके। आप लोग रक्षाबंधन अच्छे से मनाए हैं, सब भाई बहन आपस में इसी तरह प्रेम पूर्वक घर पर रहिए। इस समय आप लोग को बहुत अपने साथ में भाई बहनों को साथ में रहने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ है, इसी तरह प्रेम बना के रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।